नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना बच्चों? आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय के पाठ 8 ऊष्मा का संचरण, इसके आगे का भाग समझेंगे। अभी तक आप यह जान ही चुके हैं कि कढ़ाई में अगर हम चम्मच रखते हैं उबलती हुई सब्जी में, तो चम्मच का दूसरा सिरा गर्म क्यों हो जाता है। वैसे ही किसी पात्र में जब हम पानी रखकर उबालते हैं, तो वह नीचे से ऊपर तक कैसे उबलता जाता है। आज हम तीसरा उदाहरण, सूर्य की किरणें हम तक कैसे पहुंच पाती हैं और इसके पीछे क्या विज्ञान है, इसे समझेंगे। बच्चों, ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। और ऊष्मा का संचरण, इसकी तीन विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। विकिरण किसे कहते हैं और विकिरण क्या होता है, यह हम समझते हैं। तो बच्चों, अब हम ऊष्मा के संचरण की तीसरी विधि विकिरण को समझेंगे। आप देख रहे हैं चित्र में जलता हुआ टार्च है। टार्च का उपयोग हम कब करते हैं? जब अंधेरा हो जाता है, तब हम देखते हैं कि जैसे ही हम टॉर्च को ऑन करते हैं, हमें तेज प्रकाश दिखता है। वैसे ही आप देख रहे हैं, सूर्य से पृथ्वी बहुत दूरी तक है, पर सूर्य की ऊष्मा हम तक पहुंच जाती है, तो यह सब विकिरण कहलाता है। चालन और संवहन में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लंबी दूरी तक कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, फिर भी ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाती है, तो यह संभव होता है विकिरण के कारण। अब विकिरण आधारित एक क्रियाकलाप को हम समझते हैं। इसके लिए हमको आवश्यकता होगी एक जलती हुई मोमबत्ती और प्रयोगशाला के थर्मामीटर का। थर्मामीटर की सहायता से हम वायु का ताप नोट कर लेते हैं, फिर अब इसे जलती हुई मोमबत्ती की लौ के पास ले जाते हैं। इसका बल्ब थोड़ा झुका रहता है, ऐसा हम रखते हैं। अब थर्मामीटर का पाठ्यांक फिर से नोट कर लेते हैं। मान लो पहला पाठ्यांक 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा, तो अगला पाठ्यांक क्या हो सकता है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह ताप में वृद्धि होती है। बच्चों, हम यह तो जानते हैं कि वायु ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए चालन द्वारा ऊष्मा थर्मामीटर तक नहीं जा सकती और संवहन से भी ऊष्मा का संचरण नहीं हो सकता। तो फिर क्या कारण होगा कि थर्मामीटर का तापक्रम बढ़ गया है? मोमबत्ती और थर्मामीटर वाले इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मा जिस विधि से थर्मामीटर तक पहुंची है, यह विधि विकिरण कहलाती है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण कहलाता है। अब हम देखते हैं विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक। किसी वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा वस्तु और ऊष्मा स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यह जितनी अधिक होगी, ऊष्मा उतनी ही कम मात्रा में स्रोत से वस्तु तक पहुंचेगी। वे ग्रह जो सूर्य से पृथ्वी की तुलना में अधिक दूरी पर हैं, कम ऊष्मा पहुंचने के कारण ठंडे हैं, और सभी गर्म वस्तुएं, ठोस, द्रव और गैस ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, जिनका परिमाण वस्तु के ताप, रंग या उसके सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तु के रंग व उसके सतह की प्रकृति आधारित क्रियाकलाप को हम समझते हैं। इसे आप अपने घर पर भी प्रयोग के आधार से समझ सकते हैं। इसके लिए हमको आवश्यकता रहती है टीन के 2 डिब्बे की, साथ में काले रंग का वार्निश पेंट और एक थर्मामीटर की। बच्चों, अब हम वस्तु के रंग व उसके सतह की प्रकृति आधारित क्रियाकलाप को समझेंगे। इसके लिए हम एक ही आकार के टीन के ढक्कन लगे 2 डिब्बे लेते हैं। एक डिब्बे को काले रंग से रंग देते हैं, पर यह काला रंग हम उसके बाहरी परत पर लगाते हैं। दोनों डिब्बे में बराबर मात्रा में खौलता पानी रखेंगे।
अब इन दोनों डिब्बे के ढक्कन में छेद कर थर्मामीटर रख देंगे। थर्मामीटर के द्वारा दोनों डिब्बे के पानी का ताप नोट करेंगे। फिर 10 मिनट बाद पुनः हम इन थर्मामीटर के ताप को नोट कर लेंगे। दोनों में से किस थर्मामीटर का ताप कम है यह देखेंगे। क्या देखते हैं हम कि काले डिब्बे में रखे पानी का ताप चमकदार डिब्बे में रखे पानी से कम रहेगा। काली सतह चमकदार सतह की तुलना में विकिरण के अच्छे उत्सर्जक होते हैं, इसीलिए काले डिब्बे में रखे पानी का ताप चमकदार डिब्बे वाले पानी के ताप से कम था। बच्चों अब एक और क्रियाकलाप देखते हैं। यह भी वस्तु के रंग व उसके सतह की प्रकृति पर ही आधारित है। इसके लिए हम टीन के दो डिब्बे लेते हैं। एक डिब्बा तो काला रंग है जो रंगा हुआ है पहले से हमारे पास है। दूसरे डिब्बे को हम सफ़ेद रंग से पेंट कर देते हैं। अब दोनों डिब्बे में समान ऊंचाई तक पानी भरकर जैसा कि चित्र में दिया हुआ है हम रखते हैं। अब थर्मामीटर को पुनः हम वैसे ही लगा देते हैं। फिर इसका ताप नोट कर लेते हैं। अब तेज़ धूप में एक घंटे के लिए इन डिब्बों को हम रख देते हैं। इसके बाद हम पुनः ताप नोट कर लेते हैं। क्या देखते हैं, काले डिब्बे का पानी अधिक गर्म हो जाता है, अतः सफ़ेद रंग की तुलना में काला रंग ऊष्मा विकिरण का अच्छा अवशोषक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊष्मा विकिरण का अच्छा अवशोषक ही उसका अच्छा उत्सर्जक भी होता है। गर्मी के दिनों में सफ़ेद या हल्के रंग के और ठंड के दिनों में काले और गहरे रंग के कपड़े हम पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद रंग में ऊष्मा का अवशोषण कम होता है और काले रंग में ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं और इसीलिए हमें कम गर्मी लगती है। आप देख रहे हैं चित्र में एक व्यक्ति सफ़ेद शर्ट पहने हुए हैं तेज़ धूप के सामने। वैसे ही आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ठंडे इलाके में काले रंग का कपड़ा पहना जाता है। बच्चों अब दैनिक जीवन में ऊष्मा विकिरण के और उदाहरण हम समझते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है सोलर कुकर, फिर आप देख रहे हैं खाना पकाने का बर्तन जिसका बाहरी आवरण भी काले रंग का है, और चाय बनाने की केतली जिसका कि बाहरी आवरण चमकदार है। सोलर कुकर के भीतरी हिस्से और उसके अंदर रखे बर्तनों को काला रखा जाता है जिससे यह ऊष्मा विकिरण का अधिक अवशोषण कर सके। खाना पकाने वाले बर्तनों के बाहरी और निचले हिस्से को भी काले रंग का रखा जाता है। वैसे ही चाय को ठंडी होने से बचाने के लिए इसकी केतली को चमकदार रखा जाता है। बच्चों आप इस चित्र को देखकर समझ गए होंगे, यह थर्मस फ्लास्क है। बिल्कुल सही समझा आप। जब बहुत अधिक समय तक हमें चाय या पानी को गर्म या ठंडा रखना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। थर्मस फ्लास्क का उपयोग हम ठंडे या गर्म द्रवों को एक लंबे समय तक उसी ताप पर रखने के लिए करते हैं, यह तो हम जान चुके हैं। इसे इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके अंदर रखे द्रव से ऊष्मा का स्थानांतरण, चालन, संवहन या विकिरण इन तीनों ही विधियों से ना हो सके। बच्चों अब हम देखते हैं थर्मस फ्लास्क की संरचना को। यह दोहरे दीवार वाले पतले कांच की बोतल का बना होता है जिसके बीच की हवा निकालकर उसे सील कर दिया जाता है। दोनों दीवारों के बीच कोई माध्यम नहीं होने के कारण चालन और संवहन से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। इस बोतल में कार्क का ढक्कन लगा दिया जाता है। इस बोतल को उसी आकृति के बड़े प्लास्टिक के जार में कार्क का आधार बनाकर रख दिया जाता है। यहाँ पर कार्क कुछ अलग का काम करता है जिससे वह न टूटे। अब हम थर्मस फ्लास्क की क्रियाविधि को समझते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए कांच की दोहरे दीवार की बोतल के आमने सामने की सतह पर चांदी की पॉलिश की जाती है। अंदर की चमकदार दीवार थर्मस फ्लास्क में रखे गर्म द्रव की ऊष्मा को अंदर से परावर्तित कर देती है।
जिससे यह ठंडी नहीं हो पाती और द्रव गर्म ही रहता है। इसी तरह फ्लास्क में ठंडा द्रव रखा हो तो बाहर की ऊष्मा को बोतल की बाहरी चमकदार दीवार परावर्तित कर देती है, जिससे बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं पहुंचती और वह द्रव ठंडा ही रहता है। तो बच्चों, अब आप यह जान चुके हैं कि थर्मस फ्लास्क की क्रियाविधि कैसे रहती है। इस तरह हमारे दैनिक जीवन में थर्मस फ्लास्क बहुत उपयोगी होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ना होने के कारण थर्मस फ्लास्क में रखा द्रव का ताप लंबे समय तक नहीं बदलता है। बच्चों, अब आप देख रहे हैं ऊष्मा संचरण की इन तीनों विधियों वाला चित्रण। इसे हम अपने दैनिक जीवन के इस क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं जलती हुई लौ के ऊपर में एक पात्र में पानी उबल रहा है। यहाँ पर हम ऊष्मा संचरण की तीनों विधियों चालन, संवहन और विकिरण को समझ सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं चालन का काम कौन कर रहा है, जो पात्र है जिस पर द्रव रखा हुआ है, और संवहन की अभिक्रिया कहाँ हो रही है, पात्र के अंदर जो द्रव उबल रहा है। और नीचे हम जलती हुई लौ का चित्र देख रहे हैं, यह विकिरण को दर्शाता है। तो बच्चों, आपने ऊष्मा का संचरण इस पाठ को समझ लिया है। अब इस पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी पर जरूर लिखें। प्रश्न पहला है, विकिरण किसे कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। और प्रश्न तीसरा है, थर्मस फ्लास्क के इस चित्र को बनाकर नामांकन कीजिए। तो बच्चों, अगली कक्षा में एक नए पाठ को हम समझेंगे, साथ ही उसमें विज्ञान क्या होता है यह भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।